जनता दे पैसियां दी सही वरतों नूं लेके मुख मंत्री भगवंत मान वल्लों वड्डा फैसला कीता गया है। इस दे लई मुख मंत्री भगवंत मान ने सख्त हिदायतां जारी कीतियां ने। विधायकां दी पेंशन फार्मूले विच हुण पंजाब सरकार वल्लों बदलाव कीता जाएगा ते विधायकां नूं हुण सिर्फ एक वारी पेंशन मिलेगी। हुण तक जिन्नी वार विधायक बणदे सी उन्हां विधायकां नूं उन्नी वार ही पेंशन दी रकम जोड़ी जांदी सी, पर पंजाब सरकार वल्लों हुण विधायकां दे पेंशन फार्मूले विच इह बदलाव कीता गया ते विधायकां नूं सिर्फ हुण एक वार दी पेंशन ही मिल सकेगी। अज एक बहुत बड़ा फैसला पंजाब सरकार वालों मैं करन जा रहा कि MLA भावें दो बार जितते, पांच बार जितते, सत बार जितते, पर उन्हें पेंशन सिर्फ एक टर्म की मिलेगी। सिर्फ एक टर्म की पेंशन उन्हें मिलेगी, जित भावें जिनी बारी मर्जी जाए। तो नाल करोड़ों रुपया जिहड़ा ये पेंशन घटाने बचेगा उन्होंने लोगों की भलाई पर खर्च किया जाऊगा, क्योंकि सेवा करन दी इन्नी पेंशन किसी भी पक्षों जायज़ नहीं हैगी। तो इस तरह उन्होंने फैमिली पेंशनज ने वो भी बहुत ज़्यादा ने, उन्होंने भी कटौती की जा रही है। तो अफसर मैं लोड़ी हुक्म जिहड़े ने निर्देश जिहड़े ने दिते ने, मैं एक बार फिर दस देना चाहना, पंजाब दे विच जिहड़े MLA ने ex-MLA भावें वह दो बार जितते ने, पांच बार जितते ने, दस बार जितते ने, उन्होंने सिर्फ एक टर्म की पेंशन ही मिलेगी। तो उन्होंने फैमिली भत्ते जिहड़े ने मुफ्त च मिलते हैं, उन्होंने भी कटौती की जाऊगी। आने वाले दिनों के तो सारी डिटेल मिल जूगी ताकि पंजाब के खजाने बचाया जाए। भ्रिष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री भगवंत मान एक्शन विच ने, इसे तहत एंटी करप्शन एक्शन लाइन ते आई शिकायत ते वड्डी कारवाई कीती गई है। जलंधर दी तहसीलदार दफ्तर विच काम करन वाले क्लर्क दे खिलाफ वड्डी कारवाई हुई है। रिश्वत लैण दे मामले विच क्लर्क दे खिलाफ FIR दर्ज करन दे आदेश जारी कर दिते गए ने। नौकरी दिलाण दे नाम ते 4,80,000 रुपए रिश्वत लैण दे इस क्लर्क ते इल्जाम लगाए गए ने ते जांच विच ए इल्जाम सही पाए गए ने, जिस तों बाद FIR दर्ज करन दे सरकार वल्लों हुक्म जारी कर दिते गए ने। 23 मार्च नूं शहीद भगत सिंह दे शहीदी दिहाड़े मौके मुख्यमंत्री भगवंत मान वल्लों हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया सी ते इस नंबर ते पंजाब दे लोक भ्रिष्टाचारियों दे खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते ने। ते हुण पंजाब सरकार वल्लों इस नंबर ते आई शिकायत ते वड्डी कारवाई कीती गई है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बरगाड़ी वेखे होए बेअदबी मामले विच विशेष जांच टीम SIT वल्लों डेरा सिरसा मुखी गुरमीत राम रहीम नूं 2 मामलों विच नामजद किया गया है। गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी करन संबंधी दर्ज FIR नंबर 128 ते विवादित पोस्टर लगाउण दे मामले संबंधी दर्ज FIR नंबर 117 विच राम रहीम नूं मुख दोषी वजो नामजद कीता गया है। डेरा मुखी नूं SIT गुरु ग्रंथ साहिब दी बीड़ चोरी मामले संबंधी दर्ज FIR नंबर 63 विच पहला ही नामजद कर चुकी है। हुण फरीदकोट अदालत वल्लों डेरा मुखी नूं 4 मई नूं सवेरे 10 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही पेश होण दे हुक्म जारी कीते ने। जलंधर विच पंजाब सरकार दे दावे फेल हुंदे नजर आ रहे ने। ABP सांझा दी टीम वल्लों इत्थे रियलिटी चेक कीता गया कि किन्ने अधिकारी नियमां दी पालना करदे होए समय ते अपने दफ्तर विच पहुंचदे ने। इस नूं लैके जदों जलंधर दे DC कॉम्पलैक्स विच सवेरे 9 बजे रियलिटी चेक कीता गया तां ज्यादातर अधिकारी समय ते दफ्तर नहीं पहुंचे सी ते वजह पुछण ते स्टाफ ते अधिकारी बहाने लगांदे नजर आए ने। एक पासे आम आदमी पार्टी दी सरकार वड्डे दावे कर रही है कि सरकारी दफ्तरां विच काम सही ढंग दे नाल चलेगा, पर हाले तक अजिहा कुछ भी करवाउण दे लई फिलहाल सरकार कामयाब नहीं हो पाई है। पंजाब कांग्रेस दे लीडर नवजोत सिंह सिद्धू हुण विरोधी दी भूमिका विच नजर आ रहे ने। बेअदबी दे मुद्दे नूं लै के नवजोत सिंह सिद्धू ने हुण आम आदमी पार्टी दे मुखी अरविंद केजरीवाल ते निशाना साधिया है। नवजोत सिंह सिद्धू दा कहना है कि केजरीवाल ने 24 घंटियां दे अंदर बेअदबी मामले विच न्याय दिलाउण दा दावा कीता सी, तां हुण उहनां नूं अजिहा करन तों कौन रोक रिहा है। सिद्धू वल्लों केजरीवाल दा एक पुराना वीडियो भी शेयर कीता गया। इह वीडियो पंजाब विधानसभा चोणां दे दौरान दा है। इस विच अरविंद केजरीवाल ने कहा सी कि बरगाड़ी कांड दे दोषियां ते 24 घंटियां दे अंदर कारवाई हो सकदी है ते उहनां नूं गिरफ्तार कीता जा सकदा है। दिल्ली दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने द कश्मीर फाइल्स नूं लै के प्रतिक्रिया दित्ती है। विधानसभा दे बजट सेशन दे दौरान अरविंद केजरीवाल ने फिल्म नूं लेके केंद्र सरकार नूं घेरिया है। उन्होंने इस दौरान किया कि BJP दे लोक मांग कर रहे ने कि फिल्म नूं टैक्स फ्री कर दिता जाए, पर YouTube ते पा देण ओ फ्री ही हो जाएगी। केजरीवाल ने केंद्र सरकार ते तंज कसदे किया कि कश्मीरी पंडित दे नाम ते करोड़ां रुपए कमाए जा रहे ने ते BJP नूं पोस्टर लगाउण दा काम दे दिता गया है। कह रहे कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो,
अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री फ्री हो जाएगी। टैक्स भी क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है, यूट्यूब पे क्यों नहीं डाल? कल एक मैंने अखबार में पढ़ा, हरियाणा के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी का ही एक MLA था, उसने कहा आज मैं पार्क के अंदर इसकी फ्री स्क्रीनिंग करूंगा। तुरंत विवेक अग्निहोत्री का ट्वीट आया खट्टर साहब के, खट्टर साहब देखो ये फ्री में कर रहा है, इसको बोलो टिकट लेके करेगा। भाई साहब कश्मीरों कश्मीरी पंडितों के नाम पे कोई कुछ लोग करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और तुम लोगों को पोस्टर लगाने का काम दे दिया। आंखें खोलो, क्या कर रहे हो तुम लोग? वो करोड़ों कमा गया, कश्मीरी पंडितों के नाम पे करोड़ों कमा गया और तुम लोग पोस्टर लगाते रह गए। देश की जनता से एक बार फिर तो महंगाई की मार पई है। पेट्रोल और डीजल दी कीमतों में एक बार फिर तो इजाफा होया। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमत 80 पैसे होर बढ़ गई है, जिस तो बाद राजधानी में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 97 रुपए 81 पैसे और एक लीटर डीजल की कीमत 99 रुपए 7 पैसे हो गई है। 4 महीनों तो ज्यादा के अंतराल तो बाद मंगलवार को पहली बार इन कीमतों में बदलाव किया गया सी, जिस तो बाद अज तीजी बार तेल महंगा होया। पिछले 4 दिनों में 2 रुपए 40 पैसे पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ गई है। ये जो आपने कहा 80 पैसे, अगर मैं पीछे जाऊं, मैं पिछले 15 साल से गाड़ी चला रहा हूं दिल्ली में, 40 रुपए लीटर पेट्रोल हुआ करता था, आज 100 रुपए पहुंच गया। अभी बीच में थोड़ा कुछ टाइम के लिए थोड़ी रियायत दी थी सरकार ने, लेकिन अभी फिर से 80 पैसे का मतलब है कि पहले जब हम एवरेज आया करता था 4 रुपए पर लीटर आता था, आज की डेट में 10 रुपए है। अगर हम वैसे भी बात करें, क्योंकि ट्रैवलिंग हमारी बहुत ज़्यादा होती है, कंपनी की तरफ से भी अगर हम बात करें तो रिइम्बर्स करते हैं इसे, रिइम्बर्समेंट इनफैक्ट ये होता है कि पेट्रोल तक का रिइम्बर्समेंट हमारे को वापस नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए इस तरफ, और इनफैक्ट पेट्रोल जो है शायद हमारे को 60-65 रुपए लीटर मिलना चाहिए, जो 25-30 रुपए जो GST एंड अदर चार्जेज हैं उसमें हमारे को सब्सिडी मिलना चाहिए आम जो हम लोग हैं जनता को। इम्पैक्ट की जहाँ तक बात है तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी 1500 रुपए का पेट्रोल डलवाया है और मैं अभी लगभग 100 किलोमीटर जाऊंगा, तो पहले मैं 1000 के पेट्रोल मेरा आना जाना हो जाता था, अब 1500 रुपए में आना जाना होता है। तो पिछले कुछ टाइम में ही मतलब विदिन अ ईयर इतना इम्पैक्ट आ गया, 50% से ज्यादा का इम्पैक्ट आ गया, तो पॉकेट पर तो असर आई सीधा सीधा। पेट्रोल डीजल और गैस पे जो रेट बढ़ा हुआ है, इसमें लोकल आदमी जो जनरल और मीडियम क्लास आदमी है उनके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्ट है, क्योंकि इतना फ्लक्चुएशन मार्केट में पहले कभी नहीं हुआ था। तो इसके लिए जो सो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो सो सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि जो सो इसको जनरल पब्लिक, क्योंकि जनरल पब्लिक से ही आप वोट लेके जो सो आप सीट पर बैठे हैं, तो जनरल पब्लिक जो कॉमन मैन है, जो मिडिल क्लास है, आप इलेक्शन में देखिए तो मिडिल क्लास आदमी जो सो वोट डालने ज़्यादा आता है, हाई क्लास और लोअर क्लास के आदमी नहीं आते। और आप जो बजट है आपका जो पॉकेट है वो मिडिल क्लास के ऊपर ही इफेक्ट कर रहा है, तो प्लीज ये थोड़ा देखना। रूस ते यूक्रेन दे विचकार चल रही जंग नू एक महीना पूरा हो चुकी है ते अमरीका दे राष्ट्रपति जो बाइडन ने वीरवार नू इस संकट ते ब्रुसेल्स विच नाटो समिट नू संबोधन किया। बाइडन ने इस दौरान कहा कि जे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन दे खिलाफ जंग विच केमिकल वेपन दा इस्तेमाल किया तां नाटो इसका जवाब देगा। बाइडन ने कहा कि रूस जिस तरह के हथियारों का इस्तेमाल करेगा, नाटो भी उसी तरह के हथियारों के नाल उसनु जवाब देगा। इस नाल ही जो बाइडन ने चीन नु साफ तौर पर चेतावनी दी है कि जिसने रूस की मदद की तो उसके भी गंभीर आर्थिक नतीजे उन्होंने भुगतने पैणगे। उत्तर कोरिया ने एक बार फिर तो बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। नॉर्थ कोरिया ने वीरवार को समुद्र वालों घट तो घट एक शकी बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। बैलिस्टिक मिसाइल नूं लेके उत्तर कोरिया के गुआंढी देशों की सेनावां का कहना है कि इस जाहिर तौर पर अपनी हथियार प्रणाली की समर्था बढ़ाना चाहते हैं। ते सिलसिला उसकी सब तो वड्डी इंटर कॉन्टीनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करन तो बाद ही पूरा होएगा। हालांकि दक्षिणी कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने तत्काल यह नहीं दस्सिया कि लॉन्च किसका किया गया सी ते उसने किन्नी दूरी तक उड़ान भरी है। दूजे पासे जापान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया ते मन्या जा रहा है कि इस साल का उत्तर कोरिया का 12वां परीक्षण है। चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस के हादसेग्रस्त हुए प्लेन के मद्देनजर खोज और बचाव कार्य चौथे दिन भी जारी रहा है ते चीन हुण इस प्लेन का दूजा ब्लैक बॉक्स भी मिल गया। ब्लैक बॉक्स या कॉकपिट रिकॉर्डर विच इंजन दी आवाज, ऑडियो अलर्ट अते बैकग्राउंड साउंड कैद हो जांदी है। इस दे मिलन दे नाल हादसे दा कारण पता चल सकदा है।
ਇਹ ਪਲੇਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਲੇਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਬਾਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੀਕੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚੀਨ ਦੇ ਕੁਨਮਿੰਗ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਗੁਆਂਜੂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚਾਈਨਾ ਈਸਟਰਨ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਵੁਜਾਓ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ 132 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ ਦੇ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਸ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਗਤ ਦੇ ਤਮਾਮ ਦਿੱਗਜ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਇਲ ਚੈਲੰਜਰਸ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ MS ਧੋਨੀ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਗੇ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਧੋਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਯੈਲੋ ਜਰਸੀ ਵਿੱਚ ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਕਪਤਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਫੈਨਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਗੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਰਹੇਗਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ 8000 ਦੌੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 3 ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਹਸਨ ਅਲੀ ਦੀ ਗੇਂਦ ਤੇ ਚੌਕਾ ਜੜਦੇ ਹੋਏ ਸਮਿਥ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਕਰੀਅਰ ਦੇ 8000 ਦੌੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ 32 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮਿਥ ਨੂੰ ਇਸ ਆਂਕੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ 85 ਟੈਸਟ ਦੀਆਂ 151 ਪਾਰੀਆਂ ਖੇਡਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਕੁਮਾਰ ਸੰਗਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਬਲਾਸਟਰ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਜਿਹੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੰਗਾਕਾਰਾ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 152 ਪਾਰੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ 8000 ਟੈਸਟ ਰਨ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਧਰ ਸਚਿਨ ਨੇ 154 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 8000 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ WTT ਕੰਟੈਂਡਰ ਦੋਹਾ 2022 ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ 2 ਮੈਡਲ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਚੰਤਾ ਸ਼ਰਤ ਕਮਲ ਦਾ ਸਿੰਗਲਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਤ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨਿਕਾ ਬਤਰਾ ਦੀ ਮਿਕਸਡ ਜੋੜੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤਾਈਪੇ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਚੀਨੀ ਤਾਈਪੇ ਦੀ ਜੋੜੀ ਤੋਂ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਫਿਲਮ RRR ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰਕਾਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਰਾਮਚਰਨ ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ NTR ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਾਜਾ ਮੌਲੀ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਾਫੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਅਤੇ ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਵੀ ਖਾਸ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਵਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ TV ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਡਾਟਾ ਪਲੇ ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ 1929 ਤੇ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬਾ ਜਨੂੰਨ